हेलो सो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बताने वाली हूँ वेडिंग स्पेशल, एक ऐसा मैजिकल फेशियल जो आपको शुरू करना होगा अपनी शादी से, या किसी की शादी में जाने वाले हैं, या फिर कहीं भी आप ऐसी ओकेजन पार्टी में जाने वाले हैं, तो उससे जाने से जस्ट पहले आपको ये फेशियल अप्लाई करना पड़ेगा। वन स्टेप फेशियल है और इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको अगर जाना है तो आप उससे आधा घंटे पहले ये कर लीजिए और आपके चेहरे पे इंस्टेंट निखार आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये फेशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 टीस्पून एलोवेरा जेल, ये देखिए। और एलोवेरा जेल जितना प्योर होगा उतना ही फ़ायदा करेगा हमारी स्किन के लिए। आप चाहें तो इसके लिए प्लांट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी ओरिजिनल फॉर्म में बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून या फिर कहें 3 or 4 ड्रॉप शहद के, क्योंकि शहद कहीं ना कहीं हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, हमारी स्किन को क्लियर करेगा और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करके वन स्टेप में ही फेशियल करने का जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ उसमें बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करके आपकी स्किन को ब्राइटन लाइटन करेगा। और किसी भी पार्टी में जाने से पहले अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका चेहरा एकदम चमक जाएगा और हीरे जैसा चमकने लग जाएगा। तो ये जो रेमेडी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही वर्क करती है आपकी स्किन पर। तो सबसे पहले हम इसको अप्लाई कर लेंगे अपने फेस पर या नेक पर, या जहाँ भी हमें अप्लाई करनी है। और नेक और फेस पर हम लोग इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने के बाद आप देखिएगा कि आपको इतना चेहरा चमकता हुआ मिलेगा कि जितना आपको पार्लर से भी पूरा फेशियल कराने के बाद नहीं मिलता है। तो इसको हमें अच्छे से अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है और 10 to 15 मिनट्स तक, जिस तरह से मैं आपको ये स्टेप बता रही हूँ इनको अगर आप फॉलो करते हैं, मसाज करनी है तो आपको एक्नी स्किन में एक कसावट महसूस होगी, एक चमक, एक लाइटन और ब्राइटन आपकी स्किन को ये कर देगा। और मसाज करते वक्त आपको अपने प्रेशर पॉइंट्स को ज़रूर दबाना है, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो नेचुरली ग्लो करे, क्योंकि मसाज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और ब्लड सर्कुलेशन सुधरने से हमारी जो स्किन है जो ढीली हो गई है, जो ओपन पोर्स हो गए हैं वो टाइट होते हैं, और टाइट होने से हमारे चेहरे पर खुद से ही एक चमक बन जाती है अपने लिप्स के एरिया के आसपास, अपने चीक बोन्स पर, अपने जॉ लाइन्स पर। आपको अच्छे से मसाज करनी है, अपवर्ड डायरेक्शन में करनी है, अपनी आईज़ को भी रिलैक्स करना है बहुत अच्छे से मसाज करके, और अपने जितने भी फाइन लाइंस हैं उसको भी ये रिड्यूस करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। और अच्छे से मसाज करने के साथ साथ आपको अपने प्रेशर पॉइंट को भी, मैं बार बार कह रही हूँ, प्रेशर पॉइंट्स को भी अच्छे से प्रेस करना है, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो रिलैक्स हो जाए, जितनी भी आपकी आईज़ पफ हो जाती है मॉर्निंग में उठने के बाद वो भी सुधर जाएंगी और आपकी स्किन में एक अजीब सा ग्लो आ जाएगा। आप खुद से ही बहुत चमक महसूस करेंगे। अपने प्रेशर पॉइंट्स को इस तरह से दबाना है, हमारे जो प्रेशर पॉइंट हैं फोरहेड पर, अपने नोज के पास, चिन के पास, अपने ईयर्स के पास और अपने माथे के साइड में, दोनों तरफ हमें अच्छे से प्रेशर करते हुए बहुत हल्के हाथ से, बहुत टाइट नहीं करना है, और अपनी स्किन को बहुत प्यार से पैम्पर करते हुए हमें इसकी मसाज करनी है। तो आप देखिएगा जितनी भी मसाज आप अपने चेहरे की करेंगे, आप जितनी केयर अपनी स्किन की करेंगे वो उतनी ही अच्छी ग्लोई हो जाएगी। और अपने आई एरिया को हमेशा 3rd फिंगर से ही प्रेस करें, क्योंकि इसका प्रेशर थोड़ा कम होता है और हम आईज़ के पास ज़्यादा नहीं दबा सकते हैं अपनी स्किन को, तो हमारे जो जितने भी डार्क सर्कल हैं उनको भी ये रिड्यूस करेगा, जितनी भी फाइन लाइंस हमारी आईज़ के आसपास आ गई है उनको भी रिड्यूस करेगा, और जितनी भी लटकती हुई स्किन है उसको वो ये क्लीन करते हुए और उसको फाइन कर देगा। तो जब आप इस मसाज को 15 मिनट या कहूँ कि 10 ही मिनट अगर आप कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को
बहुत प्यारा सा लुक, बहुत ही सुंदर आपका चेहरा निखर कर आएगा। अपने प्रेशर पॉइंट्स को जरूर दबाएं और जो भी फेशियल के स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ उनको फॉलो जरूर करें, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से करते हुए काफ़ी हद तक ये जो मटेरियल हमने एलोवेरा जेल और शहद को बनाया था वो काफ़ी हद तक आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, एब्जॉर्व हो गया है। अब ये बचा हुआ जो मटेरियल है इसको मैं एज ए पैक अपने फेस पर लगा लूँगी और इसको लगाने के बाद मैं 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पर ऐसे ही छोड़ दूंगी। आप कोई भी काम कर सकते हैं, अगर आप टीवी देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी और भी कर रहे हैं, तो आप इसको 10 से 15 मिनट अपने स्किन पर रहने दीजिए। ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा क्योंकि मसाज हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब एज अ पैक ये उस स्किन को हील करेगा और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को सुधारेगा। तो जितने भी पिंपल्स के निशान जैसे मेरे चेहरे पर हो रखे थे बहुत ज़्यादा, मैंने इसको रेगुलर यूज़ किया है और रेगुलर यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। तो फाइन लाइंस आपकी सुधर जाएंगी, तो ये आप अच्छे से वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे एकदम इंस्टेंट ग्लो आ गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं किसी पार्टी में अपनी तारीफ करवाना, तो आप इस तरह से वन वे और 1 मिनट्स में, या कहें कि 1 मिनट तो नहीं लेकिन क्योंकि आपको अपने चेहरे की मसाज अच्छे से 10 मिनट्स करनी ही होगी, तो आप ये कर सकते हैं इंस्टेंट ग्लो। और अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, आपके लिए अच्छी साबित हो, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बने रहिएगा इसी तरह से रेमेडीज और अदर वीडियोज के लिए। बाय बाय।